अजय देवगन और बोनी कपूर की मोस्ट अवेटेड मूवी मैदान काफी टाइम से बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है, जो कि पकने का नाम नहीं ले रही। करीब 4-5 साल पहले मूवी का प्री प्रोडक्शन वाला काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब से मूवी अभी तक लटकी पड़ी है, कई दफा पोस्टपोन हो चुकी है। सबसे पहले सुनामी ने पूरे मूवी के सेट को बहाया और करोड़ों का चूना लग गया। इसके बाद मूवी लॉकडाउन में फंस गई और लॉकडाउन के बाद कई कानूनी पचड़े आए, लेकिन जैसे तैसे अजय देवगन ने मूवी की शूटिंग कंप्लीट की और अब जाकर ईद पर मूवी की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी थी। ईद पर वो अक्षय कुमार की बड़ी मियां छोटी मियां से क्रैश करने वाली थी, लेकिन एक और कानूनी पचड़ा सामने आ चुका है बोनी कपूर के, और लगता है मूवी की रिलीज डेट पर फिर से खतरा मंडरा रहा है। एक्चुअली बोनी कपूर और बाकी दूसरे प्रोड्यूसर के खिलाफ जिस मूवी के कैमरा क्रू सप्लाई मेंबर है, उन्होंने कंप्लेन की है और करीब 1 करोड़ का भुगतान न करने पर केस किया है। जो मूवी के लिए कैमरा क्रू टीम होती है बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लाई करती है, जिसमें लाइट्स होते हैं, म्यूजिक कंपोजिशन होती हैं, म्यूजिक साउंड रिकॉर्डिंग से डिवाइस होते हैं, इसके अलावा कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट आइटम्स होते हैं जिसका पर डे किराया चार्ज लगता है। बोनी कपूर को सारा का सारा मिला के 1 करोड़ रुपए पे करना था, बोनी कपूर ने पे नहीं किया, इसलिए पूरी टीम पहुंच गई कोर्ट और कहती है कि जब तक उनको 1 करोड़ की पेमेंट नहीं मिलेगी मूवी को पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी रिलीज डेट पर फिर से स्टे लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो बोनी कपूर के लिए काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बिकॉज ऑलरेडी मूवी बनाकर रखे हुए हैं और काफी टाइम से अपने फाइनेंसर को ब्याज भर रहे हैं। ऐसे मूवी जितनी देर डिले होगी उतना ही ब्याज का बोझ बोनी कपूर के सिर पर पड़ेगा। अजय देवगन इस पूरे मामले में बचे हुए हैं, बिकॉज इस मूवी के साथ वो बतौर एक्टर जुड़े हैं, ना कि बतौर प्रोड्यूसर। और मजे की बात है कि जब तक मैदान बनती उसी बीच में अजय देवगन ने अपने प्रोडक्शन की 2-3 फिल्में पूरी कर ली, जैसे कि भोला और शैतान। दोनों ही फिल्में मैदान के बाद बननी स्टार्ट हुई, लेकिन रिलीज हो चुकी है और मुनाफे का सौदा साबित हो चुकी है। अजय देवगन भी समझ चुके थे मैदान के चक्कर में अपना काम क्यों रोका जाए, इसलिए वो भोला और शैतान को बना के अपनी मोटी जेब को भर चुके हैं। अब बोनी कपूर के ऊपर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है, ऊपर से कैमरा क्रू मेंबर की कंप्लेन। अब देखते हैं, अगर ये कोर्ट के मामले में पूरी बॉल जा चुकी है और अगर कोर्ट का मूड थोड़ा भी स्विंग करता है तो हो सकता है रिलीज डेट को रोक दे। हालांकि चांसेस बहुत कम है, बिकॉज थिएटर वाले इस बात को समझते हैं मूवी की डेट फाइनल हो चुकी है, बहुत सारा पैसा पब्लिसिटी में खर्च हो चुका है, अब इस मूवी को होल्ड करेंगे तो बहुत तगड़ा नुकसान होगा। हालांकि इस पूरे खेल में हो सकता है अक्षय कुमार की मूवी बड़ी मियां छोटी मियां को राहत के बादल दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैदान इस वक्त मुश्किलों में है और बोनी कपूर इस बार कोई ना कोई बड़ी डील करेंगे। वैसे भी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बहुत बड़ी डील की है, और मजे की बात है कि नोएडा में फिल्म सिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें उन्होंने अक्षय कुमार कंपनी को बीट किया है, और अब फिर से अक्षय कुमार के सामने वो ईद पर आने वाले हैं। देखते हैं इस बार मैदान बॉक्स ऑफिस के मैदान पर टिकती है या फिर पोस्टपोन हो जाएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, मैदान की किस्मत में बार बार पोस्टपोन होना लिखा है कि इस बार मैदान अपना गेम फतह कर लेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।